छह हजार लोगों ने इस रिपोर्ट पर साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी इसका जवाब नहीं दिया है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से इस रिपोर्ट के साथ खड़ा है जी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे रिपोर्ट मेरे हाथ में है ये देखिए ये रिपोर्ट है 2021 की डेट इस पर लिखी है 8 अप्रैल 2021 और ये रिपोर्ट है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ऑन ईवीएम्स एंड वीवीपैट बहुत स्पेसिफिक है ईवीएम्स एंड एंडीपैट ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मदन बी लोकुर उन्होंने अध्यक्षता में बनी है और इसमें हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजिस हैं कई आईपीएस ऑफिसर्स हैं कई आई ऑफिसर्स हैं जो सेटरी लेवल के इवन इलेक्शन कमिश्नर्स जो रहे हैं पुराने उन सबका और आईआईटी के जो एक्सपर्ट हैं इंजीनियर्स हैं जो इन मशीनों के विषय में जानते हैं समझते हैं और समझा सकते हैं ऐसे सारे एक्सपर्ट को लेके ये रिपोर्ट बड़ी रिसर्च करके बनाई गई है और उस समय तक की अब तक की उपलब्ध जो किताबें हैं रिसर्च करके लिखी गई हैं बहुत सारे ऑथर्स की किताबें हैं बहुत सारे उदाहरण देके बनी है बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं उन पर आधारित ये रिपोर्ट इस रिपोर्ट को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और जजेस आई एस ऑफिसर्स डॉक्टर्स एडवोकेट्स साथ में फौज के बड़े बड़े ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल तक के जो लोग हैं उन्होंने पीएसजी वाले सामाजिक कार्यकर्ता साढ़े छह हजार एक नहीं छह हजार पांच सौ साढ़े छ हजार लोगों ने इस रिपोर्ट पर साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी इसका जवाब नहीं दिया है इस रिपोर्ट का जिक्र आप देखेंगे साहब उन्होंने भी ईवीएम है हैक हो सकती है और गड़बड़ी होती है ईवीएम में उन्होंने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया है हम सारे लोग ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से इस रिपोर्ट के साथ खड़ा है हम इस रिपोर्ट से सहमति जारी करते हैं और हम भी जो देश के प्रबुद्ध नागरिक है सिटीजन है उनके साथ कंधे से कंधा कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े हैं हमारी पूरी सहमति है लेकिन हमारी इसके आगे बात है इसके साथ साथ आगे बात है कि ईवीएम पूरी तरह से बंद की जाए किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से मैं इस दोनों चीजों का जिक्र यह कर रहा हूं कि दोनों जो है वो इंडिया गठबंधन के नाम से पॉलिटिकल जो अलायंस है वो भी और ये लोग इस देश के बहुत ही सम्मानित बहुत ही प्रबुद्ध ब्रेन है ये लोग ब्रेन थिंक टैंक हैं इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा इस कदर तानाशाही पे इलेक्शन कमीशन उतरा हुआ है इसका मतलब साफ है कि जो बेईमानी वो सरकार के लिए कर रहा है उस बेईमानी को लगातार करता रहे और इस देश के लोगों के सामने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न हो जाए उसको निश्चित करने के लिए वो ना इनसे मिल रहा है ना इस रिपोर्ट का जवाब दे रहा है ना ही इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी है उनको समय दे रहा है नौकर है फिर कह रहा हूं पब्लिक सर्वेंट ही इज अ पब्लिक सर्वेंट नौकर है और संविधान ने उसको इतनी ताकत इसलिए दी है ताकि वो स्वतंत्र होकर काम कर सके ये नहीं कि मानसिक गुलाम होकर किसी व्यक्ति या सरकार की गुलामी करे उसकी जवाबदेही किसी सरकार के प्रति नहीं है उसकी जवाबदेही इस देश का संविधान और इस देश के जनता के प्रति है देश के प्रति है और यह उसकी सबसे पायस सबसे पवित्र ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की यही ड्यूटी है एकमात्र कि इलेक्शन कमीशन में जो भी 18 साल का इस देश में व्यक्ति हो चुका है उम्र पार कर चुका है अठारह साल और उससे ऊपर उस हर व्यक्ति की वोट हो जो वोटर लिस्ट में उसमें नाम हो यह उसकी जिम्मेदारी है कि नाम होना चाहिए किसी का नाम कटे नहीं छूटे नहीं साथ में इलेक्शन स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी हो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी कहने के लिए नहीं ट्रांसपेरेंसी दिखे हर किसी को दिखे अनपढ़ हो अशिक्षित हो पढ़ा लिखा हो कोई भी हो अमीर हो गरीब हो आदमी हो औरत हो कोई भी हो हर किसी को ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए कि हाँ इलेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरा हो रहा है कहने के लिए नहीं ये नहीं इलेक्शन कमीशन कह दे जो कहता रहा है कि नहीं इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव करा रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं और ईवीएम बढ़िया है और आप सबके लोगों के जो जो आप वीडियो डालते हो ईवीएम के सिलसिले में उस पर एक वो भी डालना है लगातार की, की जो मशीन है इसकी जो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है अब तेरे स्ट्रांग है अगर ये टेक्नोलॉजी तो भाई इस स्ट्रांग टेक्नोलॉजी को आप लोगों को दिखाती क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में हर व्यक्ति जो भी चाहे उसका निरीक्षण कर सके देख सके संतुष्ट हो सके हाँ भाई पूरी तरह से पारदर्शी है विश्वास क्यों किया जाए इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है क्यों विश्वास किया जाए इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है इस देश की जनता को सरकार के साथ मिलकर इलेक्शन करवा रहा है so, किसी के कहने पर और वो भी उस देश में जिस देश में आज की तारीख में सभी सरकारी विभाग सरकार और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पूरी तरह से दंडवत है नतमस्तक है जिस देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेईमान है भ्रष्ट हैं और सरकारों की गुलामी करते हैं उस देश में आप विश्वास करने की बात करो विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं है दो दूनी चार होते हैं दो गुणा दो चार दो जमा दो चार दो माइनस दो जीरो आप सीधा, सीधा बताओ ना हर किसी व्यक्ति को हर मतदाता को यह हो सके निश्चित इसलिए सो तो इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को यह मेरी चुनौती है तो चुनौती ही मानी जाए इलेक्शन कमीशन ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट का जवाब दे ईमानदारी से तथ्यों से सच बिल्कुल वो जवाब दे और सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं इतने विद्वान लोग जिनके सामने उसकी योग्यता कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन की उन लोगों को मिलने का समय दे इंडिया गठबंधन के जो पॉलिटिकल पार्टियां उन लोगों को मिलने का समय दे और ये लगातार ईवीएम के खिलाफ जो सब आंदोलन हो रहा है और ये सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं ईवीएम को तत्काल बंद करें ट मशीन को बंद करें और यह उसी समय भी होना चाहिए जब लगातार यह हो रही है अठारह लाख चौरानवे हजार बीस लाख ईवीएम की बात जो कह रहे हैं कि गायब है एग्जैक्ट उसकी फिक्र है अठारह लाख चौरानवे हजार जो मशीनें हैं वो गायब है अठारह लाख चौरानवे हजार तो उन ईवीएम के विषय में क्यों कोई भी अंधेरे में रहे लाख चौरानवे हजार दो सौ उन्नीस ईवीएम गायब है जवाब इलेक्शन कमीशन के पास में इस बात का नहीं है तो कैसे गायब है और इसके साथ साथ जो वीवीपैट मशीन है वीवीपैट मशीन में जो खरीदी गई ईसीआईएल कंपनी हैदराबाद से और बीएल बेंगलोर से और बीएल पंचकुला से उनमें साढ़े सत्रह लाख ईवीएम वो वीवीपैट मशीनों में साढ़े छह लाख वीवीपैट वी मशीन खराब है और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है जो इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा जनवरी बीस बाईस जनवरी के आसपास दो हजार बाईस में उन कंपनियों को कि की चार लाख मशीने वीवीपैट मशीन खराब हैं और बी एल की बेंगलोर वाली की एक लाख पचासी हजार और पंचकुला की बी एल कंपनी उसकी पैंसठ हजार खराब है इस स्थिति के बावजूद तो ये सारी मेरा निवेदन है कि वो समय दे एक बात दूसरी बात मेरा इन सभी लोगों से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जितने भी पार्टियां हैं पार्टियां है, 28 जितनी भी हैं और उसके अलावा और भी जो विपक्ष है मेरा उनसे निवेदन है आग्रह है इलेक्शन कमीशन जनता का नौकर है अगर वो आपको मिलने का समय नहीं दे रहा तो आपको उसके खिलाफ खुल के आंदोलन नहीं करना चाहिए या एक मतलब जनता के नौकर ने कह दिया कि नहीं मैं मिलता और आप चुप बैठ गए हैं क्या इन पार्टियों को खुल के सड़क पे आना नहीं चाहिए